अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमानों, चांद मुबारक हो, चांद रात। भैया समझो हमारी जज्बात। हम हैं इस वक्त पे डीसीबी बैंक के बाहर, अपना बैंक अकाउंट में बैलेंस चेक करने आए थे। पता है क्यों मैं इतना दूर बैलेंस चेक करने क्यों आया हूँ? क्योंकि 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2023, आज 22 अप्रैल है, मेरा एक पुलिस वाले ने फोन छीन लिया है। पुलिस वाले का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि पुलिस वाले से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पुलिस वाले ने मेरा पूरा रमजान हराम कर दिया। आज मैं इस डीसीबी बैंक के बाहर एटीएम कार्ड लेकर अपना अकाउंट चेक करने के लिए आया। अकाउंट में कुछ भी नहीं है दोस्त। चांद मुबारक हो मुसलमानों। बरेलवी, देवबंदी, घमंडी, तुम तीनों फिरका परस्तों को मैं कह रहा हूँ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो। शैतान घुल चुका है। अभी अगर तुम्हारे अंदर 1 महीने के रोज़ों से जो तकवा आया है, तो हमारी तरह अगर तुम्हारे अंदर सबर है तो ही तुमको कब्र के अंदर नूर मिलेगा। जन्नत का बाग, जन्नत के बागों में से एक बाग कब्र। कब्र को अगर तुमको सजाना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारा नंबर है 88506 98338 88506 98338। एमसी स्टैन, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रमजान मुबारक, ईद मुबारक। एमसी स्टैन के जितने भी छोकरे हैं, डीसीबी बैंक के बाहर खड़ा हूँ, खाली बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा फोन है ना विलेपाला में पुलिस वाले ने छीन लिया है। पुलिस वाले ने क्यों छीना मालूम है? विलेपाला में शिवसागर होटल है, वहाँ पे ना बंटी भाई सैंडविच वाले 5-6 जन मिलके एक अकेले को, निहत्ते को फोड़ डाले, खूनम खून कर डाले, ब्लैकआउट हो गया। वो इधर उधर भाग के मेरे पास आ गया, मेरे से आगे भागा, तो मेरे दिल में ऐसा आया कि इसको बचा ले, तो मैं इसको बचा के रिक्शा में डाला। एमसी स्टैन रिक्शा में डाल के मैंने इसको चौकी लेके डाला। अब चौकी ले डाला ने चौकी में मेरा फोन ले डाला, पुलिस वाला मेरा फोन छीन डाला, अभी तक नहीं दिया उसने। खोटा 2-3 बार माँ की गाली दे डाला, समझ में आया? तो एक कंधे पे हमारे धर्म का बोझ, दूसरे कंधे पे हमारे कानून संविधान का बोझ। वी नीड टू रिस्पेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस वालों को रिस्पेक्ट दो, वो आज नहीं तो कल ठंडे हो जाएंगे और तुम्हारा फोन तुम्हें लौटा देंगे। डोंट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दैट। लॉ एंड ऑर्डर वाले ना बहुत सनकी होते हैं। लाइव है ना शिव सागर से बना के उस मजलूम बच्चे को बचा के, उसका नाम है मुन्ना जायसवाल। बंटी भाई का झगड़ा हो गया मुन्ना जायसवाल के साथ में, मुन्ना जायसवाल को फोड़ फाड़ के खूनम खून कर डाले। उसकी नसीब थी मैं वहां पे था, तो मैंने उसको रिक्शा में डाला, अपनी बाइक साइड में लगा डाला। जो बाइक है ना ये उधर ही पार्ला में साइड में लगा डाला, और उसको पार्ला चौकी ईस्ट में जो है ना एयरपोर्ट के बाजू में, वहां पे लेके जाके उसको मैंने पहुंचा डाला। सोचा कि मैं उसको लेके जाऊंगा, मेडिकल करा होगा, लेकिन पुलिस वाले ने मेरा फोन छीन डाला। बिकॉज आई वॉज लाइव ऑन इंस्टाग्राम। तो अगर मैं लाइव हूँ तो क्या ऐसा अधिकार है क्या किसी भी लॉ एंड ऑर्डर वालों को मेरा फोन छीनने का? अभी ये तो सड़ा हुआ फोन है, ये बैटरी कभी भी उड़ सकता है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह उड़ा नहीं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। आई एम राकेश एक्स, ठीक है। धोबी, हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, खाकी वर्दी वालों में कहाँ दम था।
जय हिंद, जय भारत। भारत वालों, हमारा फोन दिला डालो यार, एमसी सेन को तो बोला है। मुसलमानों, 8850698338, चांद रात मुबारक हो। निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, और ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल ना मिलेगा। मुसलमानों, तुम्हारी लाशें बिछने वाली है। अगर तुम बरेलवी, देवबंदी और घमंडी नाम के फिरकों में बटे हुए रहोगे, एक दूसरे से नफरत करते रहोगे। एक दूसरे से नफरत मत करो, वी आर इंडियंस, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड संविधान, इफ यू कांट अंडरस्टैंड योर कुरान, व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड संविधान। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कौनो बात।